अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होना और एक सही सलामत बच्चा पैदा करना महिलाओं के लिए गर्व की बात होती है। ऐसे में उनका बच्चा सही सलामत और तंदुरुस्त पैदा हो उसके लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी खाने की चीज़ें बताऊँगा जो भूल कर भी आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्चा पपीता। प्रेग्नेंट महिलाओं को भूलकर भी कच्चा पपीता नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें पपाइन पाया जाता है जो गर्भ में पल रहे बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट रोक देती है। अगर कच्चा पपीता प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में खाया जाए तो इससे गर्भपात हो सकती है, और अगर कच्चा पपीता प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में खाया जाए तो उनके लीवर में दर्द हो सकता है और पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर हो सकता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को भूलकर भी कच्चा पपीता नहीं खानी चाहिए। बैगन। बैगन को कई दिनों से रुके हुए पीरियड्स को शुरू करने के लिए खाया जाता है, इसलिए बैगन को इन गुणों के देखते हुए प्रेगनेंसी में बैगन खाने से बचना चाहिए। अनानास। यह फल गर्माहट करने वाला होता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी में खाने से बचना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तो अनानास बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात की खतरा बढ़ जाता है। नशीली चीज। प्रेग्नेंट महिलाओं को नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट में पल रहे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। कच्चा अंडा। प्रेग्नेंट महिलाओं को अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही खाना चाहिए। कच्चा अंडा खाने से इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है और उल्टी दस्त जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अंडे को अच्छी तरह से पका कर ही खाना चाहिए। कैफीन। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर बहुत कम मात्रा में कैफीन लेने की सलाह देते हैं। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कोको कोला जैसी चीज़ों में कैफीन पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में कैफीन का यूज करने से मिसगैरेज का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे का पैदा होने के समय बच्चे का वजन बिल्कुल कम हो जाता है। क्रीम दूध से बना पनीर। प्रेगनेंसी में फूल दूध क्रीम से बना पनीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पनीर बनाने में पोस्टराइज दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें लिस्टेरिया नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया से गर्भपात और समय से पहले डिलीवरी होने की खतरा होता है। घर पर बनी आइसक्रीम। आमतौर पर इस आइसक्रीम को बनाने के लिए कच्चे अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कच्चे अंडे का इस्तेमाल करने से क्या होता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को घर पर बनी हुई आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जामुन। जामुन एक ऐसा फल है जो काला होता है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को जामुन खाने से उनका होने वाला बच्चा का होंठ गुलाबी ना होकर काला होता है, और यह बात कुछ हद तक सही भी माना गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।